हरे कृष्णा। भगवद गीता की ऑडियो नंबर 88 में आप सबका स्वागत है। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद देव जी की जय। हम चर्चा कर रहे हैं पहले अध्याय के 40वें श्लोक में, जिसमें अर्जुन जी ये कह रहे हैं कि जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाएगा तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। तो कोई सोच सकता है कि कुल में अधर्म से इस बात का क्या रिलेशनशिप है। एक्चुअली जब कोई व्यक्ति धर्म का पालन करता है, यानी धर्म से रिलेटेड जितने भी नियम हैं, जितनी भी बातें हैं, चाहे उसमें भक्तों का संग हो, जप करना हो, व्रत करना हो, दान करना हो, यज्ञ करना हो, शास्त्र अध्ययन करना हो, धाम यात्रा करनी हो, जो भी, ये सारी चीजें अंतःकरण को शुद्ध करती हैं। और जब अंतःकरण शुद्ध होता है तो बुद्धि सात्विकी हो जाती है। आप जानते हैं कि भगवान ने भी इस चीज को एक्सप्लेन किया कि हर चीज को हम सात्विकी, राजसी और तामसी में डिवाइड कर सकते हैं। तो धर्म से रिलेटेड जितनी भी ये क्रियाएं, अभी जैसे मैंने चर्चा की, जब हम उनको फॉलो करते हैं तो उससे जो हमारी अंदर की कॉन्शियसनेस है, एक तरह से ये जो मन और बुद्धि का मिलाकर जो कॉम्बिनेशन है हमारा, ये जो अंतःकरण है, ओवरऑल कॉन्शियसनेस, ये प्योर हो जाती है। और इसके प्योर होने से, जैसे मैंने कहा, कि हमारी बुद्धि जो है वो सात्विकी बन जाती है। और जब बुद्धि सात्विकी होती है तो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ऑल डूज एंड डोंट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम धर्म को फॉलो करते हैं तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो बुद्धि सात्विकी हो जाती है। और जब बुद्धि सात्विकी हो जाती है तो हमें डूज एंड डोंट्स क्लियर हो जाते हैं। एक सात्विक मनुष्य वही करता है जो उसे करना चाहिए, और वो नहीं करता जो उसे नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है, अध्यात्म में प्रगति होती है ना। और अगर हम इसका उल्टा पढ़े कि अगर अधर्म बढ़ जाए, यानी कि हम ये सारे कार्य करना तो छोड़ दें, उसकी बजाय ड्रिंक कर रहा है कोई व्यक्ति, है जीव हत्या कर रहा है, दूसरों का अपमान कर रहा है, तो ये अधर्म बढ़ रहा है। अधर्म बढ़ने से क्या होगा, जो आचरण है वो भी अशुद्ध हो जाएगा। आचरण अशुद्ध होगा तो अंतःकरण अशुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण अशुद्ध होगा तो बुद्धि तामसी हो जाएगी। और जब बुद्धि तामसी होगी तब क्या होगा, डूज एंड डोंट्स उल्टे हो जाएंगे, यानी जो करना चाहिए वो तो करेगा नहीं, और जो नहीं करना चाहिए उसको जरूर करेगा। आप देख सकते हो आज के समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बहुत सारे कार्य जो करने चाहिए वो नहीं करते, और जो नहीं करने चाहिए वो कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया, अधर्म। और जब अधर्म फैलता है तो नेचुरली जब अधर्मी पुरुष होंगे, है ना, मैं ये नहीं कह रहा कि हर स्त्री पुरुष को ही फॉलो करती है, स्त्रियों में भगवान ने अपनी भी पूरा दिमाग दिया है, बट बाय डिफॉल्ट जब पुरुष समाज के गलत कार्य कर रहे होते हैं, ये प्रैक्टिकल भी हम देखते हैं। पहले मैं देखता था, आज से अगर 15 साल पहले की मैं बात करूं तो शायद लेडीज को बहुत रेयरली सुना जाता था कि वो ड्रिंक कर रही हैं या सिगरेट पी रही हैं। आज अगर हम देखते हैं तो ये जो रेशो है ये बढ़ रही है। जेंट्स पहले से ही ऐसा करते थे, तो नेचुरली लेडीज अब ये सोचने लगी हैं, शायद ये मेरे अपने मन की सोच है, कि भाई अगर ये कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। तो इसी तरह से हो रहा है ना, पुरुष अधर्म का आचरण कर रहे हैं तो स्त्रियां भी अब उनको फॉलो करके अधर्मी होती जा रही हैं। तो इसीलिए यहां पर अर्जुन को यह चिंता है कि जब कुल के प्रमुख नहीं रहेंगे और अधर्म का आचरण होगा तो इससे क्या होगा, स्त्रीत्व का भी पतन होने लगेगा। पुरुषों का तो पतन हो गई होगा, साथ में उनकी वजह से स्त्रियां भी जो अच्छे शील सदाचारी स्वभाव की होती हैं उनका भी पतन होने लगेगा। ये चिंता जो है वो अर्जुन को इस समय हो रही है। चर्चा खत्म करने से पहले इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान को वार्ष्णेय कहकर पुकारा है। एक्चुअली भगवान ने जिस वंश में एक तरह से जन्म लिया उसमें बहुत सारे प्रभावशाली, प्रतापशाली राजा हुए हैं। अगर मैं उनके कुछ के नाम गिनाऊं तो यदु, मधु, वृष्णि और शूर, ये खासकर चार बहुत ही प्रमुख राजा भगवान के वंश में हुए हैं, है ना। जैसे राजा भरत के नाम से जो है उनको कहते हैं भरतवंशी। तो इसीलिए इस वंश में जन्म लेने के कारण भगवान के अलग अलग नाम पड़े। जैसे यदु
क्योंकि एक राजा थे तो यदु वंश के हिसाब से भगवान का एक नाम पड़ा यादव, इसी तरह से मधु वंश में होने की वजह से माधव, और इसी तरह से वृष्णि क्योंकि एक बहुत महान राजा हुए और तो उसके हिसाब से उनका नाम एक है वार्ष्णेय, और शूर जो एक राजा हुए उसके हिसाब से उनका एक नाम शौरी भी है। तो भगवान के अनेक अनेक सुंदर नाम हैं और उनके पीछे बहुत मधुर कोई ना कोई कारण भी रहता है। तो चलिए इस ऑडियो में इतना ही, आप सबसे यही प्रार्थना है कि अपने जीवन में हर तरह की सफलता प्राप्त करने के लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र को अपनाएं। कलयुग का उद्धार, कलयुग में उद्धार हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ही होगा। अगर आप कोई और मंत्र जपते हैं आप बेशक उसको जपते रहें, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र को आप जरूर ऐड करें। ये प्रभुपाद जी की आज्ञा है, आप प्रभुपाद जी की भगवद गीता पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी के ही एक शिष्य के शिष्य से ये ऑडियो क्लिप सुन रहे हैं, तो प्रभुपाद जी के माध्यम से मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि अपने जीवन में आध्यात्मिक सफलता के लिए आप हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला रोज जरूर करें। वैसे प्रभुपाद ने सभी भक्तों को ये कहा है कि 16 माला प्रतिदिन करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं करते तो एक माला से शुरू करें, फिर ये धीरे धीरे बढ़ जाएगी। हरे कृष्णा।